स्टूडेंट्स वेलकम बैक बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर द लास्ट एक्सरसाइज 3.6 दैट इज रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिबल फॉर्मेट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हाउ वी सोल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, बाय विच मेथड, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू सोल्व द सच टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हम इक्वेशंस को रिड्यूस करके उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको सोल्व करते हैं और जो इंस्टेंट वेरिएबल्स आते हैं उनको वैल्यू वहाँ से निकाल के हम वापस हमारे जो मेन वेरिएबल है उसमें रखते हैं, तब हमारे पास वैल्यू आते हैं एक्स वाई की। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशंस थी वो दोनों वेरिएबल्स में जो कंप्लीट वेरिएशन था वेरिएबल का वो क्या था, एक्स और वाई का। तो बेसिकली आप मान के चलिए कि जो वेरिएबल्स होने वाले हैं आपके पास मेन वेरिएबल वो क्या है, एक्स और वाई। कल हमने आपको इसके फिफ्थ पार्ट तक कराए थे, आज हम इसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट तक आपको कराए थे, फिफ्थ पार्ट आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.6 एंड इट्स सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट एंड इट्स सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वन इज 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 15। ये आपको दिया है बेटा। अब बेसिकली यहाँ से बहुत सारों के दिमाग में आएगी, सर मैं इसके डिवाइड में 1 करके इसके डिवाइड की 1 करके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो कर तो देंगे लेकिन उसे सॉल्यूशन क्या है आपके पास, कुछ नहीं, आपको फिर से वही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेंगे फॉर सॉल्विंग? सॉल्यूशन ये कहता है कि आप जो ये एक्स वाई है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों के सेपरेट डिवाइड में कर दो आप। मतलब एक तो कर दो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, आपने सेपरेट डिवाइड में डाल दिया यहाँ से। जैसे आपके पास मान लीजिए 3x माइनस 2y है, 3x माइनस 2y अपॉन 6 है, आप इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेट मीन्स 3x बाई 6, 2y बाई 6। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तभी तो कॉमन डिवाइड में आता है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिवाइड में आया आपका, यहाँ से ये एक्स वाई तो मैंने सेपरेट किया। इसको सेपरेट करने से क्या मिला मेरे को, x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल। देखिए क्या बन गया, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स दैट इक्वल्स टू 5। ये तो बनी ये सेकेंड इक्वेशन में सिमिलर मेथड से आप अप्लाई करेंगे, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 15। x x कैंसिल, y से y कैंसिल, आपका 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम x के टर्म्स को पहले लिखते हैं हर बार, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस 2 बाई x को पहले लिख दिया, प्लस 7 बाई y को मैंने बाद में लिखा और ये आपका आ गया 5। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ, यहाँ से 7 बाई x हो जाएगा आपका 8 बाई y इक्वल्स टू 15। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड देता हूँ। लुक एट द पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ इस तरह के थे, डिवाइड में x था y था, ऐसे कुछ था हमारा उसमें। अब मैं क्या करूँगा, वही सेम मेथड, लेट कंसिडर 1 अपॉन x इज़ व्हाट p एंड 1 अपॉन y इज़ व्हाट q। तो ये जो टर्म इनटू 1 कर दूँ मैं, इसे 1 अपॉन x आपने क्या कंसिडर कर लिया, p, दैट इज़ माइनस 2p, क्या बन जाएगा ये, माइनस ऑफ 2p प्लस 1 इंटू कर दूं 1 अपॉन वाई, क्या है आपका देखिए q, दैट इज प्लस 7q एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 5। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड, नेक्स्ट वेरिएबल p और q में। उसके बाद आपके पास सिमिलरली आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही कॉन्सेप्ट, 1 अपॉन x इज व्हाट p, दिस इज 7p प्लस 8q प्लस 8q, आप 1 इंटू वाई करके कर सकते हैं, 8q इक्वल्स टू व्हाट, 15। ये इक्वेशन बन गई बेटा आपकी फोर्थ। अगर आप इन दोनों को सोल्व करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड है कि बेटा मैं इसको तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 7 से, और इसको किससे कर दूं, 2 से। इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, माइनस का 14p राइट प्लस 7 जा 49q इक्वल्स टू 75 जा 35, और इसको 2 से करूंगा तो 14p प्लस 16q एंड 15 टू जा
मैंने क्या किया, थर्ड में 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ को, ये मैंने कंडीशन लगाई है कि इक्वेशन थर्ड विल मल्टीप्लाई बाय 7 एंड एडिंग इन फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब थर्ड इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। ऐड कर तो साइन चेंज नहीं होते, 14p से 14p कैंसिल, हाउ मच ऑफ दिस 9 और 6 15, 1 कैरी गया, 4 प्लस 1 5 और 1 कैरी वाला 6, क्यू इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा देखो 65 से 65 कैंसिल, तो क्यू कितना है बेटा 1, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप इस क्यू की वैल्यू कहीं भी रख दो, मान लीजिए ये इक्वेशन थी आपकी है ना, इसमें मैं क्यू की वैल्यू रख दूँ बेटा यहाँ पे, तो ये क्या था माइनस 2p प्लस 7q, क्यू कितना है आपका 1, ये 1 रखा मैंने, इक्वल्स टू कितना है 5, माइनस 2p प्लस 7 इक्वल्स टू 5, माइनस 2p ये उधर जाएगा 7, 5 माइनस 7 माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, देन p इज व्हाट 1, मतलब p भी 1 आ गया और q भी 1 आ गया। ये वैल्यू आप कहाँ रखेंगे यहाँ पे, p 1 और q भी कितना है 1, 1 अपॉन x 1 है तो x भी कितना होगा 1, 1 अपॉन y 1 है तो y भी कितना होगा 1, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 और 1, और वो आप यहाँ रख के देख ले 1 और 1, यहाँ 1 रखेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 7, यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 इंटू 1 ये भी 1, 7 माइनस 2 5 बाई 1 दैट इज 5, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे में अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, तो ये बेसिक फॉर्मेट है, आपको घबराना नहीं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यही है कि जो यहाँ पे डिवाइड में एक्स वाई था वो यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, जो डिवाइड में एक्स वाई था वो यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। आपको करना क्या होगा, आप दोनों साइड एक्स वाई से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे एक्स वाई से आप डिवाइड करेंगे सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6x प्लस 3y। मैं इस क्वेश्चन को हटाऊंगा नहीं यहाँ से, थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बस सिर्फ एक स्टेप आपकी बढ़ा दी गई है। क्या दिया है, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू व्हाट 6xy, 6xy, और सेकंड दिया बेटा आपको 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। देखिए अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो ये xy कहाँ चला जाता बेटा, यहाँ चला जाता। अब मैं क्या करूँगा, xy से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग बाई xy टू बोथ साइड, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, 6x प्लस 3y अपॉन व्हाट xy एंड दैट इक्वल्स टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। वही सेम मेथड, देखिए ना क्वेश्चन आपका वही तो बन गया, ये रही और ये इक्वेशन ये रही। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स वाई इसको सेपरेट डिवाइड में डालेंगे, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, सेम वाई मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, फर्स्ट इन 7th पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा रिड्यूसिबल फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब ये है कि इक्वेशंस को चेंज कर दिया गया है, जो फॉर्मेट आपको लीनियर वेरिएबल में एक्स वाई में मिलता था वो अब लीनियर फॉर्मेट में मिला है और कुछ इक्वेशंस एक्स्ट्रा बन जाएंगे आपके पास। बस क्वेश्चन लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन हार्ड नहीं है, आपको जो सेम मैनर्स में वेरिएबल दिखते हैं आप उनको कंसिडर कर लीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी आपको कंसिडर करना है। 7th पार्ट, इससे पहले वाला 6 था, उससे पहले वाला 5th पार्ट था जो हमने आपको कराया था, कौन सा 7x माइनस 2y अपॉन xy, बोर्ड पे 6 लिखा था लेकिन वो पार्ट 5th है। 6th आपका भी जो बताया है x6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये आपका 6th पार्ट है। 7th पार्ट अब करा रहे हैं, 10 अपॉन x प्लस y राइट प्लस 2 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड वन इज 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ये आपके पास है बेटा। अब देखिए सेम मैनर में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइड में है, कंसिडर कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको आप पी मान लो बेटा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लो, क्यू मान लो, सिंपल सी बात है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आपने पी माना तो हो गया 10p प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने क्यू माना था हो गया 2q इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा बेटा 15p प्लस माइनस आपका माइनस 5q इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है ये आपके पास हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, देखिए यहाँ थ्रू आउट 2 कॉमन है,
थ्रू आउट टू कॉमन है। अगर मैं टू कॉमन ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड से तो हो जाएगा 5p प्लस क्यू ओनली एंड दैट इक्वल टू 4, और ये कैंसिल 2 से, तो इक्वेशन क्या बन गई, नई नई इक्वेशन बन गई 5p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, और ये बेटा आपकी सेकेंड है। फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है फर्स्ट 5p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड वन इज 15p माइनस 5q इक्वल्स टू माइनस 2। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 25p 5q एंड 5 2 10, ये लो ठीक है। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड किस में कर दिया सेकेंड में, तो यहाँ से कैंसिल डाउन 25 15 40p इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8, देन व्हाट इज पी डिवाइड बाई 40 8/40, 8 1 8 5 द वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट 1/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन वैन वन ऑफ द इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट किसी एक में आप रख दो जहाँ आपकी इच्छा हो। अगर मैं फर्स्ट में रखूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी, 5p है ना, 5p इज व्हाट 1/5, फिर प्लस क्यू इक्वल्स टू 2, कैंसिल डाउन 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज क्यू 2 माइनस 1, तो ये आपके पास p और q की वैल्यू आती है। आपने सब्स्टिट्यूट कहाँ किया था वैल्यूज़ को, ये 1/x + y आपका p था, 1/x + y आपका p है और 1/x - y आपका q है, तो 1/x + y पी कितना आपका 1/5 1/5, 1/x - y आपका कितना है 1, इसको मैं 1/1 कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा x + y = 5 और यहाँ से x - y = 1। अब इन दोनों को फिर से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो x + y 5 एंड x - y = 1, देखिए y से y कैंसिल, x + x 2x एंड 5 + 1 = 6 कैंसिल बाई 3, देन x इज व्हाट 3, ये x की वैल्यू यहाँ रख दो आप 3 - y = 1, y को उधर भेजो इस 1 को इधर ले आओ, तो 3 - 1 हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा 3 - 1 = 2, देन y इज 2, दिस इज y एंड दिस इज x। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y आप यहाँ पुट करके देखो 10/x + y, x कितना आपका 3 और y कितना है 2, 3 + 2 = 5 प्लस 2/x - y 3 - 2 = 1, ये कैंसिल करोगे 2 2 + 2 = 4, आंसर वेरीफाइड राइट। एंड द लास्ट पार्ट सेम वही है, देखिए आपने इसमें 1/x + y को आपने p माना और 1/x - y को आपने q माना, बस थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया कि जो xy थी टर्म्स में था वो नीचे 3x और y की टर्म्स में आ गया बस, तो सेम जो कंडीशन आपको देखे वेरिएबल्स में आप उसको कंसिडर कर लीजिए। जैसे आपको दिया 1/3x + y = 1/3x - y, ये तो दे दिया आपको 3/4, और सेकंड दे दिया बेटा 1/2 times of 3x + y - 1/2 times of 3x - y = -1/8। सिंपल सा लॉजिक है, आपको जो वेरिएबल्स या लीनियर फॉर्मेट सेम दिख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में आप उसी को कंसिडर कर लो। क्या सेम दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को ये दिख रहा है एक तो 3x + y और दूसरा दे रहे 3x - y, तो सिंपल सा लॉजिक है, लेट क्या 1/3x + y को तो मैं क्या मान लूँ p और 1/3x - y को क्या मान लूँ q, तो क्या बन जाएगी p + q, सिंपल सा लॉजिक है, p + q 3/4 इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये आपका p है कंप्लीट, देन p/2 दिस इज p/2 प्लस माइनस आपका ये है 2 है, ये 2 आपका q/2 में चला जाएगा इक्वल्स टू कितना बेटा 1/8। आप चाहें तो 2 एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा p - q = 1/8, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से 4, यहाँ से 2 कैंसिल, p - q कितना आ गया आपके पास 1/4, ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, ये फर्स्ट रही और ये सेकेंड रही, दोनों को ऐड करो q से q आपका कैंसिल, p + p समथिंग इज दैट, p की वैल्यू आएगी यहाँ रख दो इसमें, q की आ जाएगी, pq की जो वैल्यू आई वो यहाँ रखो और फिर सोल्व करो उनको, इक्वेशन किसकी वैल्यू देगा आपको x और y के, एंड डू योर सेल्फ।
तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो रिड्यूसिबल फॉर्मेट पर डिपेंड करता है टोटली। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें आपके पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।